नमस्कार, मैं हूं अखिल सिंह और आप देख रहे हैं सजीव बिग न्यूज। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया सरकार के नारों में से एक है, मगर ये पॉसिबल कैसे होगा जब हमारे देश के शिक्षक जो है सड़कों पर हो। ये कोई किसी एक वर्ग से जुड़े हुए या किसी एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए टीचर नहीं है, बल्कि ये अध्यापक हर यूनिवर्सिटी से है और न केवल शिक्षक बल्कि गैर शिक्षक कर्मचारी संघ है और गैर शिक्षक भी जो है यहाँ पर मौजूद है। सभी के सभी सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या है कारण, क्या है मामला, आपको जल्दी इनके मिलवाएंगे, इनसे बातचीत करवाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं ये लघु सचिवालय के ठीक सामने मौजूद हैं और इनका थोड़े से नारे ये देखिए, आगे हम चलते हैं। तीनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक संगठन और गैर शिक्षक संगठनों के सभी सदस्य आज हरियाणा सरकार के हड़ताल के कारण फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनकी मांगे क्या क्या हैं। विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता बहाल करें, विश्वविद्यालयों में HRMS लागू ना किया जाए, विश्वविद्यालय में COD क्लास की भर्ती विश्वविद्यालय के स्तर पर रखें, ऑनलाइन स्थानांतरण नीति निरस्त करें। ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो फिलहाल जो है ये अध्यापक और गैर अध्यापक कर्मचारी जो है यहाँ लेकर के पहुंचे हैं। बड़ा मामला है जो तीनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक तथा गैर शिक्षक कर्मचारी यहाँ मिनी सेक्रेटरिएट पे आम जनता के बीच में है। इसका सीधा सा कारण ये है कि हरियाणा सरकार असंवैधानिक रूप से जो विश्वविद्यालयों में क्लास 3 और क्लास 4 की नियुक्तियां हैं उनको रोक रही है। अभी ऑर्डर जारी किया जो कि असंवैधानिक है और मैं आप सब लोगों को और आम जनता को बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही ऑर्डर यूपी में योगी सरकार ने जारी किया था। उन्होंने क्लास 3 और 4 की अपॉइंटमेंट UPS बोर्ड के थ्रू निकाल भी दी थी, लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट ने उन पे स्टे लगा दिया है। जनाब क्या है वो जो ये रूल निकालेंगे, क्या है ये रूल? हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि भाई HRMS पोर्टल बनाओ, सभी यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉइज का डाटा चंडीगढ़ पे फीड हो, सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक तथा गैर शिक्षक इसके सख्त खिलाफ हैं और जब तक HRMS पोर्टल बंद नहीं किया जाता विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन जारी रहे। और इससे आपको दिक्कत क्या है? HRMS पोर्टल वो पोर्टल है जिसमें कर्मचारी की सभी व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी, उसका अकाउंट नंबर, पैन नंबर, कितनी सैलरी मिलती है, किस पोस्ट पे है, फैमिली मेंबर क्या क्या है, क्या वो कर रहा है, क्या ईमेल एड्रेस है, ये चंडीगढ़ लेवल पे स्टोर किए जाएं ताकि चंडीगढ़ बैठ के ही वो ट्रांसफर कर सके, कोई भी अपना मनमाना फैसला विश्वविद्यालयों पर थोप सके। लेकिन विश्वविद्यालयों के शिक्षक व गैर शिक्षक इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ये जारी रहेगा हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। ये सारा का सारा डाटा यूनिवर्सिटी के पास पहले उपलब्ध है। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी से ना मांग कर आपसे मांग रहे हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी से मांग ले जब कभी जरूरत पड़े। और एक जो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जैसे अभी बात चल रही है HRMS पोर्टल अगर सरकार मांग रही तो क्या गलत है? पहली बात, HRMS पोर्टल बनाने के लिए एक भारी भरकम रकम चाहिए होती है जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है जिसके ऊपर पर्सनल जानकारी दी जाती है। यूनिवर्सिटीज का अपना अपना खुद का HRMS पोर्टल है। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए दे के और HRMS पोर्टल लागू किया है। अब जो जनता का पैसा दो जगह पे क्यों जाए? दूसरी बात, ऑटोनॉमी जो है, हमारी यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट से बनी हुई है, हमारी यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट से बनी हुई है। हम ऑटोनोमस बॉडी है, हमें कभी भी सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं मिलता है। ठीक है जी, जब हम ऑटोनोमस हैं तो हमारा उनके पास इंफॉर्मेशन जाना क्या दुख है? ठीक है जी, हमारा खुद का HRMS पोर्टल है, हमारे खुद की ट्रांसफर पॉलिसी है, इसको मर्ज नहीं किया जाए। नहीं, HRMS को पोर्टल जो ना वहाँ पे दो जगह पे HRMS पोर्टल बनाने का दुख नहीं है।
इतने हाथों में क्यों हो, कहीं से भी लीक हो जाए, और जो कंडीशन है वो नहीं मानी गई, तो अगला फैसला आप लोगों का क्या रहने वाला? हमने 10 दिन का समय दिया है प्रशासन को, और अगर 10 दिन में नहीं कर पाते हैं तो हम जो है प्रदर्शन और भी तेज करेंगे। देखिए अभी क्या है कि एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू प्रदर्शन भारतवर्ष में होते नजर आ रहे हैं, प्रशासन उनकी मांगे नहीं मान रहा, तो क्या लगता है आपको आपकी मांगे जल्दी पूरी हो पाएगी, क्योंकि इतने धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जो गैर शिक्षक हैं, एक मैं बाकी धरनों के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। सरकार ने, हमारे संविधान ने हमें जो ना ताकत दी है कि हम ऑटोनोमस हैं। यूनिवर्सिटी जो है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडी पे अगर सरकार का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक रूप से हम स्ट्रांग हैं। अगर ये लड़ाई यहाँ पे नहीं खत्म होती तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे, और लखनऊ कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट ने पहले ही ऑटोनोमस के फेवर में जो ना अपना आदेश जारी कर रखा है। ठीक है, फिलहाल आज आप जो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों में से मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ से आप सभी यहाँ पहुँचे हैं? मैं प्रधान गैर शिक्षक कर्मचारी संघ HAU हिसार, और ये जो आज का जो ये प्रोग्राम है ये पूरे हरियाणा के अंदर जो 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब 16 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्रोग्राम है। सबका अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने DC जो कंसर्न DC हैं उनको सारे ज्ञापन सौंपेंगे। ये सारा जो प्रोग्राम है ये हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन के जो उनके आह्वान के ऊपर किया गया है। इसके साथ साथ हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो मांगे हैं, जो यहाँ की जो लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जो मांगे हैं, वो इनके साथ ये मांगे भी रखी गई है। हमारी जो HAU हैं, अभी बताया HAU नॉन टीचिंग के प्रधान हैं, मैं HAU टीचर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारे प्रेसिडेंट भी साथ हैं। ये पहली बार हुआ है HAU कैंपस में जब चार संस्थाएँ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गैर शिक्षक संघ, शिक्षक संघ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ, गैर शिक्षक संघ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ और गैर शिक्षक संघ, तीनों यूनिवर्सिटी एक साथ आई हैं, एक साथ एक बैनर के। हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अलग होता है। लुवास का जो मैंडेट है वो एनिमल साइंस के ऊपर है, हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, GJU जो है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो अगर हमारी आपस में ट्रांसफर्स होती है और हमें आपस में मिक्सअप किया जाता है तो ये जो नुकसान है ये आम जनता का होगा, जो हम बच्चों का जो भविष्य हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। ठीक है, और हम स्वायत्त थे, स्वायत्त हैं, स्वायत्त रहेंगे। क्या लगता है सर, ये राजनीति हो रही है, इसका कारण क्या है? क्या जो है सरकार को इस चीज का क्या फायदा मिलने वाला है? बच्चों का इतना नुकसान क्यों चाहती है? देखिए, अगर सरकार इसको ऑटोनोमी को छीन लेती है यूनिवर्सिटी की, तो इसका सीधा सीधा असर ये है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी शिक्षक कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। अब जैसे कि मान लो हम बात करें, मैं वेटनरी में हूँ, डॉक्टर साहब जैसे एग्रीकल्चर में है, अगर मेरे को एक एग्रीकल्चर में पोस्ट दे दी जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रिलेटेड सब्जेक्ट ही नहीं है वो। ऐसे ही हमारे जो नॉन टीचिंग के वो हैं एम्प्लॉयज, अब उनमें क्या है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को तैयार करने में कुछ साल लगते हैं हमें, जैसे टेक्निकल चीजें बताने में, कोई लैब अटेंडेंट है या कुछ भी है, मान लो लैब की चीजें, उसको तैयार करने में हमें 5 से 10 साल लग जाते हैं। अगर उसको उठा के कहीं भी नॉन टेक्निकल जगह भेज देंगे तो क्या होगा कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह ठप हो जाएगी, ना ही कोई काम हो पाएगा, ना ही कोई और चीजें हो पाएंगी। दूसरी बात, ऑटोनोमस जो बॉडी, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑटोनोमस बॉडी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है इंडिया के, ना इसको ना ही तो कोई मुख्यमंत्री ले सकता है, ना ही कोई वाइस चांसलर ले सकता है, और ना ही हरियाणा सरकार ले सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और ये हमें अभी भी चाहिए और बाद में भी चाहिएगी। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि पीछे, आपके पीछे यहाँ PTIO का धरना चल रहा है, लगभग साल से भी ज्यादा इन्हें हो चुका है, इन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है, आप लोगों की बातों पर कुछ विचार होगा? आपको उम्मीद जरूर होगा, हम लोग अगर मान लो हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और पुरजोर तरीके से करेंगे, और ज्यादा ज्यादा अगर नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे भी बैठेंगे, लेकिन हमारी ऑटोनोमी जो यूनिवर्सिटीज की है वो हम अपने पास रखेंगे। हम किसी रहने पर तो ये टीचर्स भी बैठे हैं और एक साल से ज्यादा बैठे हैं, खूब जोर से चलाया है। देखिए, अब दूसरे धरनों की हम बात नहीं कर सकते हैं कि उनका क्या होगा क्या नहीं, ऐसे तो किसान भी बैठे हैं, वो अलग मैंडेट है। हमारी जो मैंडेट है, हमारे पूरे कर्मचारी, हमारे शिक्षक संघ, गैर शिक्षक संघ सब साथ हैं। मैं लुवास की तरफ से सेक्रेटरी हूँ टीचर एसोसिएशन का, ये प्रधान जी हैं HAU के, ये हमारे प्रधान जी हैं गैर शिक्षक कर्मचारी, ये और ये सब हम एक ही मंच के नीचे आए हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे हम। हमारा जो एक्ट है वो सरकार को ये चेंजेस करने का कोई भी हक नहीं देता है।
हमारे एक्ट के अंदर प्रॉपर एक सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से जो चेंजेस आप लोगों के साथ या आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में किए जा रहे हैं उसे रोकने के लिए अगली रणनीति क्या प्रेशर बनाने के? अभी तक हमारा जो प्रदर्शन अभी तक जो रहा है वो 18 तारीख को हमने सब ने ब्लैक बैजेज लगा के विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद में हमने 19 तारीख को कलम छोड़ हड़ताल की थी और आज का हमारा जो धरना था वो सिर्फ 2 घंटे का था, 9 से 11 का धरना था। ये सरकार को इसका मकसद सरकार को सिर्फ चेताना है। इसके अलावा अगर सरकार अब भी किसी बातचीत के लिए या ये जो कानून जो लगाए हैं ये कानून वापस लेने के लिए आगे नहीं आती है तो हम लॉकआउट करने के लिए तैयार हैं। ऐसे है तो ये पूरा मामला जिस तरीके से आपने समझा है कि ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं यूनिवर्सिटीज और उन्हें जो है हटाया जा रहा है, एक तरीके से उनकी जो है ये स्वतंत्रता एक तरीके से छीनी जा रही है, कारण ये है और इसी वजह से ये शिक्षक जो है आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सारा बायोडाटा जो है इनका एक साथ जो है लिया जाएगा और उसके बाद ये एक ही यानी कि हरियाणा के स्टेट की जो राजधानी है चंडीगढ़ के अंदर जो है इसे सेव कर लिया जाएगा। और खैर शिक्षकों में इस चीज़ की नाराज़गी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमेशा से ऑटोनोमस बॉडीज़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि शिक्षकों का तबादला होना एक जगह से दूसरी जगह, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों के भविष्य पर फ़र्क डालने वाला है क्योंकि ये जो टीचर्स हैं परफेक्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में अपने अपने जगहों पर, मगर इन्हें अगर बार बार घुमाया जाएगा तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों के जीवन पर इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और शिक्षकों की अगर बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि किस कदर जो है शिक्षकों के ऊपर इस बात का असर पड़ा है और विरोध जो है फिलहाल देख रहे हैं आप हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। बड़े अचंभित करने वाली ये बात है कि लगभग हर एक महकमा जो है आज के दिन रोडों पर है, धरनों पर है। एक ये प्रोफेसर तो जो अक्सर सबसे कम जो है यूं एकत्र होकर के कभी धरने पर नजर आए थे, मगर आज सभी की सभी यूनिवर्सिटीज जो हिसार के आसपास की यूनिवर्सिटीज है उन सभी के प्रोफेसर्स लेक्चरर्स जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर के आए हैं और विरोध जता रहे हैं। और फिलहाल जो है ये एक तरीके से सांकेतिक धरना कहिए या ज्ञापन सौंपना कहिए वो सौंपा गया है और साथ साथ ये चेतावनी भी दे दी गई है कि यदि जल्द ही इस बात का जो है समाधान नहीं किया गया तो ये धरना लंबा भी हो सकता है और अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सिटी विक न्यूज़ को। नमस्कार।